प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लास में बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके विषय में बात किया। आई की डिफरेंट डिग्रीज या पावर जो होती है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने इसके ऊपर भी बात किया। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कैसे प्लॉट किया जाता है। आज हम लोग स्टूडेंट शुरुआत में बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कोणांक यानी कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, है ना। ये x और y दोनों रियल नंबर हैं और ये x और y क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएंगे यानी कि चेंज हो जाएंगे। हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर x और y है। आपको क्वेश्चन में x की जगह कुछ भी हो सकता है और y की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो। तो स्टूडेंट्स z = x + iy मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होता है, मापांक या मॉड्यूलस जो होता है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस वो होता है मॉड z is equals to square root of x square plus y square। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy का अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो वो होगा square root of x square plus y square। यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और उसके ऊपर रूट स्क्वायर। तो यहां से इस तरह से निकलता है मॉड्यूलस। और जो कोणांक है बच्चों, वो कोणांक यानी कि जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स थीटा, आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। बेसिकली आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा और इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपॉन x, और tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। मतलब ये tan थीटा इस तरफ आ जाएगा, ये tan इनवर्स इस तरफ आएगा, तो इट बिकम tan थीटा। तो हमें थीटा निकालने के लिए y अपॉन x करना पड़ेगा और फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसकी tan वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों ये समझते हैं कि वास्तव में ये मापांक और कोणांक यानी कि आर्गुमेंट और मॉड्यूलस होते क्या है वास्तव में। तो देखा जरा ध्यान दीजिएगा, आपको आपको लोगों को ये पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। मान लीजिए कि ये x प्लस आई वाई है, तो इस x प्लस आई वाई का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। इस x प्लस आई वाई का मतलब होता है कि x एक्सिस पे यानी कि जो रियल एक्सिस है उस रियल एक्सिस पे x लंबाई, और जो इमेजिनरी एक्सिस है, जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर y लंबाई। यस, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। ये इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट x प्लस आई वाई है, ये कोई भी पॉइंट है इसमें। तो इस पॉइंट को, इस ओरिजिन, इस O से मिलाने वाली जो लाइन होती है बच्चों, सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट x प्लस आई वाई को जो ओरिजिन है यानी कि जो मूल बिंदु है उससे मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन की जो लंबाई होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई। यानी कि ये जो मॉड्यूलस आता है, ये जो मॉड z की वैल्यू आती है जिसको हम लोग कभी कभी स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में वो क्या होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी होती है। वास्तव में वो मापांक, मापांक का मतलब लंबाई, किसकी, इस x प्लस आई वाई की ओरिजिन से कितनी लंबाई है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो मापांक हम जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे तो वास्तव में हम क्या निकाल रहे होंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से या मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे होंगे, और उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और आप चाहो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही क्यों आता है चाहो तो ये भी देख सकते हो कैसे। अब जरा इसे ध्यान से देखो, ये है हमारा मॉड्यूलस यानी कि आर, और ये है हमारा वाई, और ये है हमारा एक्स।
ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपको याद होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक, प्लस बेस यानी कि आधार का वर्ग, ये आपको फॉर्मूला पता ही है। तो कर्ण इसमें क्या है, आर स्क्वायर है, लंब क्या है, लंब मतलब ये यानी कि वाई है, तो ये वाई स्क्वायर, और आधार क्या है, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर, और आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, आर स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो आप क्या निकाल लोगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करने इधर चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मॉड्यूलस यानी कि इस बिंदु की यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, जो कि मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर हम इस एंगल को बच्चों थीटा मान लें, कितना मान लें, थीटा मान लें, तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, आधार, नॉट आधार, लंब बटे कर्ण, नॉट लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस कितना है, x, लंब है y, लंब की लंबाई है y, और आधार की लंबाई है x, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन x, और देखो यही अपने को लाना है, tan थीटा इज इक्वल टू y upon x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक निकाला जाता है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक नंबर है 2 + 3i, इस 2 + 3i का मापांक और कोणांक निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, इस 2 + 3i में जो रियल पार्ट है वो कितना है, वो रियल पार्ट है x, सॉरी 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3। अगर हम इसको ऐसे मान लें, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऐसा कर लेंगे, लेट x plus iy is equals to 2 + 3i, तो हमने इसको इसके इक्वल मान लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाएगा। मतलब कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक भाग वास्तविक के इक्वल, रियल पार्ट रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो ऐसी स्थिति में x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि जो मॉड्यूलस होता है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i इज इक्वल्स टू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 9 यानी कि करनी 13। तो ये जो आया है ये इस 2 + 3i का क्या आ गया, मॉडुलस वैल्यू आ गई। वास्तव में ये 2 + 3i का जो मॉडुलस आया है ये क्या बताता है कि इस 2 + 3i की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ये आ गई। और जब आप इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, ये तो मॉडुलस हो गया, ठीक है, और जब आप इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए जाएंगे तो आर्गुमेंट या माप कोणांक निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन x, और y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/2, ये आंसर आ गया, ये कोणांक आ गया मतलब, ठीक। आप लोगों को केवल यहीं तक निकालना है, आपको इसका मान डिग्री में नहीं निकालना होता है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि 10 में 3/2 किस कोण के लिए मान होता है, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। बाय चांस अगर ये जो वैल्यू आई है ये 3/2, इसकी जगह अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि ये ऐसा आता, ये समझने के लिए बच्चों मान लीजिए कि ये थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 आता, मान लो कि √3 आता, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में फिर थीटा इज इक्वल टू हो जाता 60 डिग्री। क्यों हो जाता, क्योंकि आपको वो टेबल याद करी होगी आपने 10वीं क्लास में, तो आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो फिर 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा। मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो 60 डिग्री इस tan को इधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स √3, यानी कि अगर tan इनवर्स के साथ में √3 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो अगर
हमारे पास में यहाँ पर कोई ऐसा मान आता है जिसकी की tan वैल्यू कुछ होती है किसी एंगल के लिए, तो हम वो कोण यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन 3/2 अपने को नहीं पता है कि ये किस थीटा के लिए tan का मान होता है, तो हम कोणांक tan इनवर्स 3/2 लिख देंगे। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मापांक और कोणांक निकालने के लिए केवल ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक ये और एक ये। बात समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से जैसे मान लीजिए कि आपको 5+2y दिया है और इसके लिए आपको मापांक और कोणांक निकालना है, तो आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, लेट 5+2y = x + iy, है ना। तो यहाँ से फिर x का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब आप मापांक निकालेंगे, मापांक यानी कि मॉडुलस, तो मॉडुलस मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 25+4 यानी कि करनी 29। समझ में आया कि मापांक हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स। और जब कोणांक निकालने के लिए जाएंगे, कोणांक निकालने के लिए जाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x होता है और y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से फिर थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये आपका कोणांक निकल गया। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक यानी कि argument and modulus of a complex number निकालते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि ये तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, कभी कभी आपको थोड़ा सा टिपिकल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक और कोणांक निकालने को आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 1+i/(1-i) इसका मापांक और कोणांक निकालने को आ जाए तो कैसे निकालोगे? तो पहले ये जो है इसके तो अंश में भी है, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले आपको इसको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो ऊपर और नीचे जो आई आई दिख रहे हैं ये हट जाना चाहिए और केवल एक ही आई रह जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस रूप में परिवर्तित करोगे तभी तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर तो ऊपर वाले के लिए अलग है और नीचे वाले के लिए अलग रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, तो पहले इसको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके बाद मापांक और कोणांक निकालेंगे। तो हम इसे इस रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। तो आपको बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं ये क्लियर हुआ, ठीक। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नाउ बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हों तो कैसे उनको ऐड करते हैं, यानी जोड़ते कैसे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उन्हें घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे करते हैं। और जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड या भाग देंगे तो आपको वहां पर यह भी समझ जाना है कि फिर किसी भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से भाग दिया जाता है तो कैसे उसे x+iy के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1=x1+iy1 और z2=x2+iy2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, है ना। अब समझिएगा जरा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम लोग जोड़ते हैं तो उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, z1+z2 जब करेंगे तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए इस तरह से iy1+x2+iy2, ठीक। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो वास्तविक भाग वास्तविक में जोड़ता है और काल्पनिक भाग काल्पनिक में जोड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वास्तविक भाग काल्पनिक में जोड़ जाए और काल्पनिक भाग वास्तविक में। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ देंगे तो उसका आंसर आएगा x1+x2+i, अब i दोनों में कॉमन है तो iy1+y2, यानी काल्पनिक भाग काल्पनिक में जुड़ जाएगा और वास्तविक भाग वास्तविक में जुड़ जाएगा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि एक 2+3i है,
इसको आपको जोड़ना है किसमें, माइनस एट और माइनस फाइव आई में, ठीक। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ये इसका वास्तविक भाग, ये इसका वास्तविक भाग, ठीक। दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही रहते हैं, ठीक। तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस टू, एंड ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस का आठ, एंड प्लस ये आय, और काल्पनिक भाग यहां पर कितना है तीन, और यहां पर कितना है माइनस पांच, और ये प्लस का साइन, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दो में से आठ गया माइनस छ, एंड प्लस तीन में से माइनस पांच गया तो माइनस, सॉरी माइनस दो आएगा, तो इसको आप माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस टू आए। तो समझ में आया क्या आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक। और जब घटाएंगे तो बहुत आसान है, या माइनस का साइन लग जाएगा और क्या। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया जाता है तो सेम प्रोसेस होती है, वास्तविक भाग वास्तविक में से माइनस होता है और काल्पनिक भाग काल्पनिक में से माइनस होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपसे 8 प्लस 9 आई को माइनस करने को कहा जाए 2 माइनस 3 आई, मतलब इसमें से आपको इसे घटाना है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे सारे, तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 9 आई माइनस का 2 और प्लस का 3 आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, वास्तविक भाग वास्तविक और काल्पनिक भाग काल्पनिक में से, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6, और 9 प्लस का, और ये 3 प्लस का, है ना, दोनों के साथ आई है जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 आई, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते कैसे हैं ये समझ में आया आपको, ओके। अब आइए हम लोग एडिशन करना सीख गए, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सीख गए, अब मल्टीप्लाई, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कैसे करते हैं उसे सीखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, x1 plus iy1, x2 plus iy2, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो देखो x1 का जब दो ब्रैकेट में चीजें होती है तो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, x1 का इस पूरे में होगा iy2 plus iy2 का इस पूरे में होगा, ठीक। तो अब इन ब्रैकेट्स में अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो x1 का x2 में होगा, तो ये x1 into x2, फिर x1 का इसमें होगा स्टूडेंट्स, तो ये i x1 into y2 plus इस i y2 का भी इसमें होगा, तो ये i y2 into x2, ठीक, एंड प्लस जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, y2 into y2, तो सॉरी मैं यहाँ शायद गड़बड़ कर गया, ये y1 आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ये y1, ये y1 का इस पूरे में होगा, तो ये y1, तो y1, तो यहाँ पर भी y1, तो इट्स y1। अब y1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, i का i में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये i स्क्वायर आ जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो फिर अब ये चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस y1 y2, मतलब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये i स्क्वायर बन के हो जाएगा माइनस 1, तो ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो उस i स्क्वायर के कारण जो बचेगा वो वास्तविक भाग रह जाएगा, मतलब i हट जाएगा यहां से, ठीक। अब इसको देखिए, x1 y1 के साथ i नहीं है, माइनस y1 y2 के साथ में i नहीं है, तो z1 into z2, तो z1 into z2 is equals to, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब x1 x2 minus y1 y2 आ जाएगा, और इन दोनों के साथ में i है, तो इन दोनों में से i कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा x1 y2 plus y1 x2 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले के रूप में, यानी कि हमने करना सीखा कि कैसे करते हैं, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस 5 आई एंड आई प्लस या फिर 1 प्लस या फिर 1 माइनस 4 आई, है ना, कुछ भी मान लीजिए, हमने तो केवल सीखना है बेसिकली। तो मान लीजिए कि इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, फिर वो जो प्रोसेस अभी अपनाई है हमने, इस दो का पहले पूरे में 1 माइनस
फोर आई में और फिर प्लस फाइव आई का इस पूरे में वन माइनस फोर आई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ठीक। अब जरा इस दो का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, दो माइनस एट आई, और जब इस फाइव आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव इंटू वन यानी कि फाइव आई, और फिर फाइव का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच चौक बीस और आई का आई में तो ये आई स्क्वायर। ठीक। अब इसको और आगे सिंपलीफाई करते हैं, ये दो तो ठीक है, ये आठ आई है और ये माइनस प्लस का पांच, ये माइनस का और ये प्लस का, तो आठ में से पांच जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का थ्री आई, और माइनस ठीक है, ये बीस भी ठीक है और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा बच्चों टू माइनस थ्री आई, और ये माइनस और माइनस प्लस बीस, और बीस और दो जुड़ जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बाईस और माइनस का थ्री आई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमें क्या मिला, बाईस माइनस थ्री आई। ठीक। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया। अब डिवाइड सीखिएगा स्टूडेंट कि डिवाइड हम लोगों को कैसे करना है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन के रूप में ही बताऊंगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड हम कैसे करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास में ऐसा दिया हुआ है ना, टू प्लस थ्री आई अपॉन में वन, या फिर इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ थ्री माइनस फोर आई। मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है। ठीक। तो जब ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आपको इन दोनों को डिवाइड करना हो तो इनको डिवाइड कैसे करते हैं इसे सीखिएगा। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है बच्चे। सबसे पहले 2 प्लस 3 आई एज इट इज लिखिए और 3 माइनस 4 आई एज इट इज लिखिए और फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए किसका, इसे देखिए ये क्या है 3 माइनस 4 आई। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, 3 प्लस 4 आई 3 प्लस 4 आई। क्यों ऐसा इसलिए किया कि हमें इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर देना है इसी चीज से। ठीक है ना। ऐसा करने से लाभ ये होगा कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर आने से यहां से i हट जाएगा। वही हमें करना है कि नीचे से i हटा लेना है। ठीक है ना। तो ऐसा करने से हमें फिर लाभ ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ऊपर तो हो जाएगा 2 प्लस 3i इनटू 3 प्लस 4i और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4i इनटू 3 प्लस 4i। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। आपको याद होगा वो फॉर्मूला कौन सा, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए जैसे अभी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया था वैसे ही, तो दो इंटू तीन छ, दो इंटू चार आठ आए, तीन इंटू तीन नौ आए और फिर तीन का चार में होगा तो तीन चौक बारह, लेकिन i और i मल्टीप्लाई में होंगे तो i स्क्वायर यानी माइनस 12। ठीक है। एंड डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है यस 16, लेकिन i स्क्वायर भी है साथ में तो 16 इंटू माइनस 1, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। ठीक। तो इसको जब आप और थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूं स्टूडेंट इसको फिनिश करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 में से 12 गए तो ये माइनस का 6 है ना 6 और माइनस 12 तो माइनस का 6 और ये 8 और 9 प्लस का 17 है और डिवाइड में बच्चों ये 9 और ये माइनस और माइनस प्लस तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो डिवाइड में आ जाएगा 25। और हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 6/25 और प्लस का 17/25 और ये साथ में। तो जरा ध्यान दीजिएगा आपने किया क्या, बेसिकली आपने
एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब दूसरे कॉम्प्लेक्स का मल्टी और डिवाइड किया, तो जब आप इसको और सिंपलीफाई करते गए, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये किस रूप में आ गया है, ये इस रूप में आ गया है। अब जरा देखिए, इसमें नीचे से आई खत्म हो चुका है कंप्लीटली, और ये जो रूप आया है ये कौन सा रूप आ गया है, एक्स प्लस आई बाय टू आ गया है। यानी कि अब आपने इसको हल करके इस रूप में बदल दिया है, और इस रूप में जब ये आ जाता है तो आप आसानी से देख सकते हो कि इसका वास्तविक यानी कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। दिख रहा है आपको रियल पार्ट कितना है, -6/25, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 17/25। तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सॉरी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और उसका आपको मापांक और कोणांक निकालना हो, तो पहले आपको उसे इस रूप में बदलना पड़ेगा, और जब इस रूप में आ जाएगा तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिखने लग जाएगा, और फिर आप x निकाल लोगे, y निकाल लोगे, और फिर आपके पास मापांक और कोणांक का जो फॉर्मूला है उसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस का मापांक और कोणांक निकालने के लिए पहले इसे इस रूप में बदलना पड़ेगा। और कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कैसा कि आपको ऐसा बोल देगा, रिड्यूस 2+3i अपॉन 1-i इनटू ए प्लस आई बी, बल्कि रिड्यूस की जगह वो ऐसे लिखता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब 2+3i अपॉन 1-i को a प्लस आई बी के रूप में बदलिए या लिखिए। तो इस a प्लस आई बी के रूप में लिखने का क्या मतलब है कि दो जो अलग अलग आई दिख रहे हैं उनकी जगह केवल क्या होना चाहिए, एक आई होना चाहिए। यानी आपको इसे इस रूप में बदल देना है कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिखने लगे, क्योंकि यहां पर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं कर सकते हो कि क्या है, क्योंकि ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो आपको इसे परिवर्तित कर देना है इस रूप में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिल सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो अभी तक आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग करना भी सीख लिया, और साथ में आपने इस तरह की किसी भी क्वेश्चन को a प्लस आई बी यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कैसे निकालें, इस तरह से बदलना भी सीख लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, एक नए नाम के ऊपर आते हैं, और ये है बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं समिश संख्या का संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। क्या, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z is equals to, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट या संयुग्मी, उसको अगर z is equals to x plus i by एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके संयुग्मी को पता है कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऐसे z bar, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि z bar Z का संयुग्मी है। ठीक है ना, और इसका मान क्या होता है पता है, बहुत आसान है, X माइनस I। यानी कि जो काल्पनिक भाग होता है समिश्र संख्या में, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका चिन्ह बदल दीजिए बस केवल, तो आपको क्या मिल जाएगा, संयुग्मी मिल जाएगा। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस उसका जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल दीजिए तो संयुग्मी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट निकालना हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और हम देखते हैं कि इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या है। कुछ चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमार्केबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एक होता है स्टूडेंट्स क्या, कभी कभी हम लोगों से कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कैसे कि मान लीजिए आपको वो ऐसे लिख देगा, फाइंड एक्स एंड वाई If, और आपको कुछ दे देगा, कैसे, x plus i y is equals to 2 plus 3i into में 1 minus i, ऐसे लिख देगा।
और आपसे कहेगा कि x plus i y की वैल्यू निकाल दो। तो x plus i y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? बहुत आसान है, देखो ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें x plus i y यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखा है, और इसकी इज इक्वल्स टू में दो सम्मिश्र संख्याएं हैं गुणा के रूप में। तो पहले आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए और इसको इस तरह से बदल दीजिए कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग दिखने लगे अलग अलग। तो जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों और फिर तुलना कर दीजिएगा कि इधर का वास्तविक भाग इधर के वास्तविक भाग से इक्वल हो जाएगा और इधर का काल्पनिक भाग इधर से काल्पनिक भाग इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल में इसके पीछे जो बेस है वो ये है कि जब किसी भी चर, ये एक्चुअल में चर सम्मिश्र संख्या है क्योंकि इसमें एक्स और आई वाई लिखा है, तो मतलब ये फिक्स नहीं है, ये चर है, और इसके इज इक्वल्स टू में एक कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती है। तो जब आपको इस तरह का दिया जाता है इक्वल में, तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि इन दोनों के क्या मान होंगे जब ये इसके इक्वल हो। तो आप इसको हल करिए और फिर तुलना कर दीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है, दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो इनका। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 यानी 2, फिर 2 into -i यानी कि -2i, फिर 3 into +1 3i into +1 यानी कि प्लस का 3i, और 3i - i तो ये प्लस और माइनस, माइनस और 3i स्क्वायर, तो मतलब 3 और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 3 + 2 5 और 3 में से 2 गए प्लस i, ठीक। मतलब कि हमारे पास में x प्लस आई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 + i। तो आप जरा तुलना करिए, इस तरफ वाला वास्तविक भाग क्या है? 5, और इस तरफ वाला x, तो ये क्या बन जाएगा? x is equals to 5 आ जाएगा, और इधर पे काल्पनिक भाग y है और इधर पे 1 है, मतलब i के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम तुलना करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई स्टूडेंट्स कि हमने कैसे x और y की वैल्यू निकाला? तो ये एक चीज हो गई स्टूडेंट्स। अब एक नई चीज स्टूडेंट्स, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं 1 का और फोर्थ रूट निकालते हैं 1 का। तो आइए जरा हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं ये सारी चीज। आइए देखिए, तो स्टूडेंट्स आइए जरा बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई के घनमूल, है ना? क्या होता है इकाई के घनमूल, आइए जरा समझते हैं। घनमूल का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/3 पावर, है ना? घनमूल का मतलब ये होता है, वर्गमूल 1/2 और घनमूल मतलब 1/3। तो मान लीजिए कि हमें 1 का घनमूल निकालना है, 1 का मतलब हमें x का मान निकालना है, तब जब 1/3 हो, मतलब कि इसका मान क्या होता है, हमने मान लिया कि x, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कि 1/3 का मान क्या होता है, है ना? हालांकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ने लगते हैं तब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखिए जरा, मान लिया हमने कि x बराबर 1/3, तो हम फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x³ = 1। क्यों लिख सकते हैं? दोनों और 3, ये पावर इधर आती है तो 3 बढ़ जाएगा, 3 पावर हो जाएगी, ठीक है, 3 पावर हो जाएगी। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x³ - 1 = 0, और आपको इसको ऐसे लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? अब a³ - b³ का फॉर्मूला याद है, वो होता है x - 1 × x² + x + 1 = 0, ठीक है ना? फॉर्मूला ये होता है a³ - b³ = a - b² × ab + b². तो यहां पर a मतलब x, b मतलब 1, तो a - b × a² + ab यानी कि 1 × x, तो x ही आएगा, और प्लस b² यानी 1। अब x - 1 × this = 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0, ये दो चीज आई हमारे पास। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 1 आ जाएगा,
मतलब कि x की एक वैल्यू कितनी आ गई है 1, और जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। और वर्ग समीकरण ऐसा है जिसमें ये जो बीच वाली चीज है ना, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, मतलब ये टूट नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो जरा, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 आएगा। अब 1 को ऐसे तोड़ना है कि फिर 1 आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 1 को आप तोड़ो, क्योंकि 1 तो टूटता नहीं है पहली बात तो, और ऐसा तोड़ो कि उसको जोड़ने घटाने पे फिर 1 आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऐसे दो भागों में हो जाए वो। तो फिर इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको याद होगा, x is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, right? अब यहाँ पर सारे मान रखो, तो x is equals to minus b, b का मान कितना है 1, plus minus square root b, मतलब कि 1 का square minus 4, a का मान है 1 और c का मान भी है 1 upon में 2a, यानी कि 2 into 1। और जब आप इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करोगे बच्चों, तो x is equals to आ जाएगा, x is equals to minus 1 plus minus square root of 1 minus 4 upon 2, यानी कि minus 1 plus minus square root of minus 3 upon में 2। और आपको ये याद है बच्चों कि जब करणी के अंदर माइनस में लग जाता है, मतलब माइनस में कोई नंबर आ जाता है, तो उस माइनस वन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, आयोटा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि रूट माइनस थ्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट माइनस वन इंटू थ्री, और इसको फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट माइनस वन इंटू रूट थ्री, और रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है आई, तो ये ऐसे टूट जाए। तो स्टूडेंट्स फिर माइनस रूट थ्री को हम लोग आई रूट थ्री लिख सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आई रूट थ्री का यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस इट्स आई रूट थ्री अपॉन में टू, यानी कि x की अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई है, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, और माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो तीन मान आ चुके हैं, एक तो x इज इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू ये, और एक x इज इक्वल टू दिस वन। और हम x के जो दो अलग अलग क्यूब रूट आए हैं, एक तो आ गया है 1 और एक ये आ गया है, तो हम इसको एक नए नाम से सिंबलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं हम लोग w, और इसको नाम दे देते हैं w स्क्वायर। तो जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 कॉमा w, w स्क्वायर, ये तीन होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 तो आप जानते हैं 1, w का मतलब होता है माइनस आई प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, और w स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। कभी कभी ये शॉर्ट आंसर में या एक या दो ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछ भी दिया जाता है कि w बराबर कितना, तो आपको याद होना चाहिए कि w मतलब बीच में प्लस आएगा, है ना, और w स्क्वायर मतलब बीच में माइनस आएगा, और इसको आप याद रखिएगा बच्चों, तो आपको आसानी होगी समझ लेने, ठीक। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1, w और w स्क्वायर, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस w प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 स्टूडेंट्स, कितना होता है 0, ठीक। ये याद रखिएगा, ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है और ये आपको कई जगह पर काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले का अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे, कभी इस फॉर्मूले से मान लो हमें 1 प्लस w की वैल्यू निकालनी हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, w स्क्वायर के इक्वल, कभी अगर हमें इससे 1 प्लस w की स्क्वायर की 1 प्लस w स्क्वायर निकालना हो तो ये माइनस w के इक्वल हो जाएगा, और कभी हमें इससे w प्लस w स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो ये माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काम का है। और बाय चांस मान लीजिए अगर आपसे यही प्रूफ करने को कह दिया जाए कि प्रूफ करिए कि 1 प्लस w प्लस w स्क्वायर बराबर 0, मतलब सिद्ध करिए, तो कैसे सिद्ध करोगे, बहुत आसान, 1 प्लस w प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रहेगा प्लस, अब w की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है माइनस 1 प्लस i रूट 3 अपॉन में 2, और w स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है,
माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, दोनों के मान लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, तो ये वन प्लस, अब इस दो को तोड़ दीजिए, मतलब इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसके नीचे, या फिर ऐसा करिए जरा ध्यान दीजिए, इसके नीचे दो है, इसके नीचे भी दो है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो पूरा आ जाएगा दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री, यहाँ आ जाएगा ये प्लस और ये माइनस, माइनस माइनस आई रूट थ्री, ठीक इस तरह से आ जाएगा। मतलब एलसीएम केवल इसका लिया है अभी, इसका नहीं लिया, इसको अलग ही रखा, तो ये आई रूट थ्री से ये आई रूट थ्री कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, ये माइनस वन और ये माइनस वन जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस टू, और डिवाइड में कितना चल रहा है टू, ये टू से टू कैंसिल, तो ये माइनस वन, तो वन प्लस ये माइनस वन बराबर कितना जीरो आ गया। तो इस तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कैसे होता है। और आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कई क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रूव दैट वन प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू वन माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 32 W। ये मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, आपको बस ये देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो इसकी LHS को अगर हम लोग शुरू करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप 1 plus W की जगह कितना लिख सकते हो, 1 plus W की जगह minus W square, तो यहां minus W square लिख दो, और एक minus W square पहले से ही है, ठीक, and this is equals to whole square, ये इसकी पावर में चल रहा था, मल्टीप्लाई 1 माइनस डब्ल्यू, इसका तो कोई मान नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का मान जरूर होता है, कितना माइनस डब्ल्यू, तो एक माइनस डब्ल्यू पहले से था, और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह फिर माइनस डब्ल्यू, और ये होल क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 W स्क्वायर, और ये उसकी पावर 2, और ये माइनस का 2 W और उसकी पावर 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, माइनस दो की पावर 2 है, तो माइनस दो की पावर 2 तो ये तो बन जाएगा प्लस का 4, और डब्ल्यू स्क्वायर की पावर है 2 तो ये बन जाएगी डब्ल्यू की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई ये है माइनस दो की पावर 3, तो जब माइनस दो को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का 8, और ये डब्ल्यू की पावर 3 स्क्वायर, माइनस 8 और 4 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का 32, और ये W की पावर 4 और ये W की पावर 3। एक चीज जो मैं आपको यहां पर बताना भूल गया, ठीक है ना, वो फिर से आप बता देता हूं कि ये एक तो सूत्र होता ही है, साथ में एक चीज और होती है कि W क्यूब की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, W क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 आती है। आप चाहो तो ये W है और ये W स्क्वायर है, चाहो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको हमेशा W क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आपको ये रिजल्ट लेकर आना है, कैसे देखिए जरा, माइनस 32 तो पहले से चल रहा था, आप इस W की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और एक W क्यूब पहले से चल रहा है, तो माइनस 32 और W क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये एक W पहले से चल रहा है और फिर इस W क्यूब की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू W इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 32 W। समझ में आई बात, श्योर, ओके, तो इस तरह से करेंगे, तो मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड आपको दो फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, एक तो W क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। और आप इसका यूज कैसे करेंगे,
जो आपकी जरूरत होगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस वाले में 1 प्लस डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला होता है, 1 माइनस डब्ल्यू के लिए नहीं होता है और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू के लिए भी नहीं होता है। तो हम 1 प्लस डब्ल्यू की जगह लिख देंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी मदद से। और यहाँ पर 1 माइनस डब्ल्यू के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के लिए भी नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के लिए होता है, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और ये माइनस का डब्ल्यू, राइट। तो इसकी जगह लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जब बुक में क्वेश्चंस देखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से यूज किया है इस सब चीज का, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं। हमने आज बहुत कुछ सीखा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मापांक निकालना, गुणांक निकालना, इसके बाद में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि डिवाइड के रूप में हो उसको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना, इसके बाद में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी देखा। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग उसमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक। और इसके बाद में जो मिसलिनियस प्रॉब्लम है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें उसके ऊपर बात करें, ठीक है ना। तो आई थिंक एक से दो लेक्चर में हमारे आना वाला मतलब आने वाले एक से दो लेक्चर में ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। आप लोग इन वीडियोस की मदद से ज्यादा मेहनत करिए और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे हमारे नंबर पर और बाय मेल अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अपने फीडबैक भी आप हमें जरूर दीजिएगा कि क्या आपको इन वीडियोज की मदद से आपका जो चैप्टर है उसको करने में सही मदद मिल रही है या फिर आपको किसी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप हमें जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक। हमारी ये जो सीरीज है बच्चों ये बेसिकली आप लोगों का जो 11th का जो कोर्स है उसके ऊपर मेनली फोकस है और हमारी कोशिश है कि आपको ऑनलाइन पूरा का पूरा 11th का सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए स्टूडेंट्स। तो आप अपने फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।